रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। शिव पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया, आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है, इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का सत्वन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर और युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया,
जो अपनी महिमा सुनने वाले समस्त पापों का हरण करने वाला है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 125 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं।